हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स इन्वेस्टर पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि कॉनकेव लेंसेज के द्वारा इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉनकेव लेंस से इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं और उन इमेजेस को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या क्या रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले चीज पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉनकेव लेंस। तो हमारा जो पहला रूल है बच्चों, वो कहता है हमसे कि अगर मान लो ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों। तो पहला रूल कहता है कि जो लाइट है इसके पैरेलल जाएगी, आप इसको कहाँ मानते हैं और उसके हिसाब आप जहाँ इमेज बनेगी उस हिसाब से उसका नाम लिखें। ठीक है, तो हमारा पहला रूल कहता है बच्चों की जो लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी और ये ऐसा लगेगा कि कहां से होती आ रही है, फोकस से होती हुई आ रही है। निकल गई बच्चों, कहां से आ रही है, फोकस से होती हुई आ रही है। तुम्हारा पहला रूल क्या लिखा जाएगा, द रोड द रेस विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल सी दैट दे आर कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। हमें ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइन कहां से होती आ रही है, फोकस से होती हुई आ रही है या यहां से आती हुई दिखाई देंगी। ये हमारा पहला रूल है। अगर मैं तो रूल नंबर टू की बात करें तो रूल नंबर टू मुझे ये कहता है कि मान लो अगर ये हमारा फिर से ये हमारे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, तो रूल नंबर टू मुझे ये कहता है बच्चों की अगर मान लो ये फिर से भाई ये कॉनकेव लेंस बनाया जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस है या F1 है, या C1 है, या F2 है और या C2 है, तो रूल नंबर टू कहता है कि जो लाइट है फोकस की तरफ जाएगी। मतलब अगर मैं एक ऐसी लाइट ले लिया हूँ जो किधर जा रही हो बच्चों, फोकस की तरफ जा रही हो, वो रिफ्लेक्शन के बाद इसके पैरेलल हो जाएगी। जो भी लाइट जाएगी कहाँ जाना चाहिए, जो इसके फोकस की तरफ जाएगी वो लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद इसके पैरेलल हो जाएगी। ये है हमारा रूल नंबर टू। तो हम क्या लिखेंगे, दोज लाइट रे विच आर गोइंग टुवर्ड्स फोकस, विच आर गोइंग टुवर्ड्स फोकस बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे फोकस की तरफ जा रही होंगी तो वो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। तीसरा रूल कहता है बच्चों हमसे, थर्ड रूल की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड रूल हमसे ये कहता है कि अगर ये मान लो हमारे पास कॉनकेव लेंस है, इस लेंस में क्या होगा बच्चों कि जो लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी वो लाइट रे सीधे उसी रास्ते पर निकल जाएगी, ये बिल्कुल भी डिफ्रैक्ट नहीं होगी। हमने क्या सीखा पहले रूल में कि जो लाइट रे पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगी कि फोकस होती हुई जा रही है, जो लाइट रे फोकस की तरफ जा रही होगी वो रिफ्रेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और तीसरा रूल कहता है कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी उसी रास्ते पर चली जाएगी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी मुड़ाव के। मतलब हमें इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ये सीधी उसी रास्ते को फॉलो करती हुई निकल जाएगी। ये तो हमारे हो गए रूल्स। अब हम बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस के द्वारा कैसे होती है, कौन कौन सी कंडीशन है जिससे हमें ये पता लगेगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अगले आइटम नंबर क्या होगा बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। Thank
कॉनकेव लेंस। पहली कंडीशन क्या होगी बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, क्या करेंगे हम उसके लिए, एक डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसको F1, C1, F2 and this is C2। ध्यान रखेंगे अगर आप इधर F1 ले रहे हो तो इधर C1 लेना पड़ेगा, इधर F2 ले रखे तो इधर C2 लेना पड़ेगा। नाम से ज्यादा परेशान ना हो क्योंकि आपको केवल नाम दोनों तरफ अपने हिसाब से लिख लेने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आपको जैसा बोला जाए उस हिसाब से आप डायग्राम बना दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इमेज फॉर्मेट में पता करेंगे कि हमारे इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा होगा, वहां से मान लो कोई दो पैरेलल ले आते हैं, हम ये पैरेलल ले आए, हम जानते हो हमसे क्या कहते हैं पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन का जैसा लगे कहां से आएगा बच्चों फोकस से, ये और लगते हैं बच्चों मान लो ये भी रिफ्लेक्शन का कहां से लगे कैसे आ रही बच्चों फोकस से, तो हमें क्या पता लगा कि ये दोनों की कमरे कहां से पैरेलल आ रहे हैं, वो इंफिनिटी से आ रही है और एक दूसरे को F यानी फोकस पर इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन ये इंटरसेक्शन कैसा होगा, वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा क्योंकि आप वास्तव में रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा लगेगा अगर एक्सटेंड करेंगे पीछे तो दोनों ही रे कहां से निकलते दिखाई देंगे हमें फोकस से, तो हम मान लेंगे कि इमेज कहां बन रही है फोकस पर, तो इमेज कैसे बनती है बच्चों, तो लिखेंगे इमेज will form at, अब नाम देखो F2 focusing, focusing virtual and erect, virtual and erect, इसके अलावा कैसी बड़ी है छोटी है तो आपको लिखेगा highly diminished, बहुत छोटी होगी highly diminished, तो ये वो तरीका है जिससे हम पता करेंगे कि इमेज कैसे बनती है, तो इन्फिनिटी वाली इमेज ना बन रही बच्चों फोकस पे बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा छोटी है मतलब हाईली डिमिनिश्ड। दूसरी कंडीशन की अगर बात करें तो दूसरी कंडीशन हमको पता करना है कि इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए और इमेज उसकी कहाँ बात होगी, तो मान लीजिए कि बच्चों मेरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, दूसरी कंडीशन के लिए देखेंगे मेरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between between कहाँ रखेंगे बच्चों infinity and optical center, optical center मतलब principal axis पे कहीं भी, कौन की lens होती है, इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका मान लो F2, ये C2, दिस इज F1, दिस इज C1, याद रखेंगे ये डिस्टेंस के बराबर बनानी है, ये डिस्टेंस के बराबर बनानी है आपको। अब फिर से वही काम करेंगे, एक रे हम इसपे फोकस की तरफ लेके जाएंगे, जब रे फोकस की तरफ जाएगी या फिर काम करते हैं बने इसके पैरेलल लेके आते हैं वो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, एक रे इसके पैरेलल लेके हम जानते पैरेलल वाली नहीं खा लेंगे बच्चों, ऐसा लग जाए कहाँ से आ रही बच्चों फोकस से आ रही, इस तरीके से निकल जाएगी और एक हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकालते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी और ये मान लेंगे बस कब तक रखा ए बी, तो हमें यहाँ काम ले दी यहाँ ये दोनों ये काट रही है यहाँ पर ए डैश बी डैश, आपको पता चला कि ये जो रे है जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तथा ये सीधी इमेज बन रही है मतलब वर्टिकल वर्चुअल एंड डायरेक्ट है वर्टिकल हाइट में है, तो मैं क्या लिखूँ आपको इसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि इमेज विल फॉर्म बिटवीन between
एफ टू एंड ओ, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट और छोटी बत्ती है एंड डिमिस्ट एंड डिमिस्ट। तो ये दो कंडीशन है जहां पर इमेजें मिलती है। अब इसमें एक सवाल आता है कि भाई कॉनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसकी रेंज क्या है, मतलब कहां से कहां तक मैक्सिमम आ सकती है। तो उसकी रेंज बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में रहती है, इससे बाहर कभी नहीं आती है। ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होती है और रेंज आपका रखनी है इसकी फोकस से अगर रेंज, जितनी फोकल लेंथ होती है उससे कमी उसकी रेंज होती है। ये इसके हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में ही रहेगी, उससे बाहर कभी नहीं जाएगी। तो ये थी वो दो कंडीशंस, ये थी वो दो कंडीशंस जिसमें कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्म करता है। आपको एरो लगा के बढ़िया से डायग्राम बना देंगे अपने लोगों ने, ठीक है। आपको दोनों कंडीशन में आपको क्या लगा कि इमेज दोनों की वर्चुअल इमेज बनती है, छोटी बनती है, ठीक है, और उनकी रेंज जो होती है वो हमेशा फोकस के बीच होती है, फोकस तक लास्ट बनती है, फोकस के इस तरफ यानी दाएं तरफ, सॉरी लेफ्ट में कभी इमेज नहीं जाती है, ठीक है। तो दैट इज हाउ इमेजेस आर फॉर्मड थ्रू कॉनकेव लेंस, क्लियर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेंस फॉर्म का, तो आपको ध्यान से लेना है, बार-बार सुनेंगे दिक्कत करेंगे, आपको याद रखना है लेंस फॉर्म का। लेंस फॉर्म का बच्चों हमारा होता है वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो लीनियर मैग्नीफिकेशन बच्चों हमारा वही होता है जो हमारा इसमें था बच्चों मिरर्स में था, लीनियर मैग्नीफिकेशन जिसे बिलोंग करते थे किससे बच्चों, एम से, एम का मतलब हमारा एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ डेफिनेशन की सेम रहेगी इक्वल टू वहां माइनस वन अपॉन टू था, यहां पर जो हमारा फॉर्मूला रहेगा बच्चों वो वी अपॉन टू रहेगा। ये दो फॉर्मूले से आपने आपको याद रखने हैं, ठीक है, एक मिरर फॉर्मूला और ये लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इन्हीं पे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे मोस्टली। बाकी इमेज फॉर्मेशन का सवाल पूछ जाता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ देख पूछ लेगा किसी कंडीशन में कि फोकस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस है या कहीं भी कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक, आपको लेंस माइनस वन अपॉन यू, ठीक है, जबकि मिरर में क्या था वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, एन इक्वल टू एच आई अपॉन एच सेम रहेगा, साथ में वी अपॉन यू हो जाएगा, जबकि मिरर में हमारे लिए इसकी वैल्यू माइनस वी अपॉन यू थी, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ नई चीज की तो इसके अंदर हमारे मिलता है पावर ऑफ लेंस, क्या मिलता है बच्चों पावर ऑफ लेंस। अब ये क्या होता है बच्चों पावर ऑफ लेंस, तो पावर की बात करें तो पावर ऑफ लेंस से मतलब होता है कि कोई लेंस कितना ज्यादा लाइट रे को मुड़ता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, उसकी पावर उतनी ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। जैसे मान लो एक लेंस है मेरे पास, कोई भी लेंस ले लो, ये एक लेंस है, समझने के लिए आप देखो ध्यान से, मैंने क्या किया एक लेंस से पैदल लेके आया, तो ये क्या करेगा इसको मोड़ेगा इसकी फोकल लेंथ मान लो ये है, ठीक है। दूसरा और ज्यादा मोड़ के मान लो दूसरा लेंस लगाया उसने इतना ना मोड़ के उसको थोड़ा पास लाके यहीं से मोड़ दिया, तो ये जो मोड़ने की ताकत है ये एंगल धीरे में मोड़ देता है, जितना ज्यादा मोड़ेगा उसको थोड़ा इधर से मोड़ना, तो जितना ज्यादा मोड़ेगा इतना ज्यादा भार निकालेगा। अगर आपको जो कॉनकेव वॉल क्या होगा इसको बाहर निकालेगा, ज्यादा भार निकालेगा यहाँ से, तो जितना ज्यादा मोड़ने की कैपेबिलिटी होती है लेंस की उससे ही हम कहते हैं उसकी पावर, उसे क्या कहते हैं उसकी पावर। जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी ऑफ डाइवर्ज और कन्वर्ज द लाइट रेज उतनी उस लेंस की पावर ज्यादा होती है। तो मैं क्या लिखता हूं इसकी डेफिनेशन बच्चों, इट इज द डाइवर्जन और कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी ऑफ लेंस। अगर कॉनकेव लेंस होगा तो डाइवर्ज करेगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कन्वर्ज करेगा, तो ये पावर बताती है कि किसी की
कितनी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर है। किसी को ज्यादा लाइट को मोड़ेगा तो इसका मतलब उसकी पावर भी ज्यादा है। दूसरी चीज, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी रेसिप्रोकल के बराबर होता है। फोकल लेंथ वेयर फोकल लेंथ इज मेजर इन मीटर, मतलब लेंथ ना की आएगी फोकल लेंथ को किसे मान रखेंगे हम मीटर में। तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू वन अपॉन एफ, और ये एफ किसमें होगा बच्चों, माना एफ इन मीटर। जैसे मान लो आपको सवाल दिया, मैंने सवाल दिया किसी लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, पावर बताइए, तो क्या करेंगे, पावर इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो वन अपॉन एफ ट्वेंटी। अब ट्वेंटी किसमें है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर बनने के लिए क्या करेंगे, ट्वेंटी अपॉन 100, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर लिख रहा है 0.2, या आप इसको 20 अपॉन 100 लिख सकते हैं। अब ये करेंगे बच्चों ऊपर तो कितना जाएगा, 100 अपॉन 20, यानी कितना आंसर आया 5। अब ये 5 जो आया इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होती है इसकी बच्चों डायरेक्टर। क्या यूनिट होती है, डायरेक्टर। तो आप समझ गए कि लेंथ को हमेशा ये सेंटीमीटर किससे बदलना है, पहले मीटर बदलना है। तो मतलब सीधी सी बात है, इसके लिए यूज करते हैं, इट्स ऐसा यूनिट है, इट्स ऐसा यूनिट इज डायरेक्टर। क्लियर है, डायरेक्टर, डायरेक्टर इसमें चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है डायरेक्टर। अब आपको यहां से बात समझ आ रही है कि जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी ही उस लेंस की पावर ज्यादा होगी। अगर किसी की फोकल लेंथ 20 है और दूसरा लेंस दे रखा है उसकी फोकल लेंथ 25 है, इसका मतलब जिसकी फोकल लेंथ 20 है उसकी पावर जो आपका 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला लेंस है ज्यादा होगी, उससे ज्यादा होगी। मतलब आपको ऑप्शन दिया है f बराबर 25 और f भी f बराबर 20, किसकी पावर ज्यादा है, तो आपको पता है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा, ठीक है, और जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, इसमें अगर मैं बात करूं लेंसेज के कॉम्बिनेशन की, लेंसेज के कॉम्बिनेशन की आप इसको नोट कर लेंगे कौन सके, तो आपको सुना है पावर, पावर क्या है, डायवर्जिंग और कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, जितना फोकल लेंथ कम उतना ही पावर ज्यादा, पावर का फॉर्मूला इक्वल टू वन अपॉन एफ, और इसके साथ यूनिट बड़ी डेट इज डायरेक्टर। अगर मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की, केवल आपको इतना याद रखना है, इसका डेरिवेशन भी करते हैं हायर क्लास में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की अगर मैं बात करूँ तो आप याद रखेंगे, जब भी हम लेंसेज को जोड़ेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हमेशा इनका सम जो होता है वो अर्थमेटिक सम के बराबर होता है। अर्थमेटिक सम के बराबर है, बताता हूँ उसका मतलब क्या है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब क्या है, ऑन कंबाइनिंग टू लेंसेज, ऑन कंबाइनिंग टू और मोर देन टू लेंसेज, मोर देन टू लेंसेज देयर रिलेटेड पावर, देयर रिलेटेड पावर विल बी इक्वल टू अर्थमेटिक सम, अर्थमेटिक सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल लेंसेस, मींस जो पी रिजल्टेंट होगा वो बराबर होगा पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री इतने लेंस होंगे सबको डायरेक्ट जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा उनका कॉम्बिनेशन।
मैं इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको किसी पॉजिटिव क्या बात कर लो। क्या एग्जाम्पल है ध्यान से देखो कि मान लो देखो मैंने आपको बताई थी एक बात कि जब भी कॉनकेव लेंस आएगा और कॉनवेक्स लेंस आएगा या कॉनवेक्स मिरर या कॉनवेक्स मिरर कॉनकेव कॉनवेक्स कुछ भी हो सकता है तो कॉनकेव में हमेशा फोकल लेंथ होगी चाहे वो लेंस हो और चाहे वो मिरर हो जबकि कॉनवेक्स में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब कॉनकेव लेंस अगर नेगेटिव है तो उसकी सॉरी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उसकी पावर भी नेगेटिव होगी। ऐसे ही अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी क्योंकि P इक्वल टू 1/f। अब f पॉजिटिव है तो P पॉजिटिव होगा। इसके लिए P इक्वल टू 1/f। अब f नेगेटिव है तो P नेगेटिव होगा। जैसे मान लो इसका मैंने दे रखा कॉन्वेक्स लेंस दे रखा था और उसकी मैंने पावर दे रखी आपको f इक्वल टू -25 cm कॉन्वेक्स में नेगेटिव होता है तो उसका P कितना आएगा P इक्वल टू 1/-25 और मीटर में चेंज करेंगे तो 100 पे डिवाइड कर देंगे 25 4 का यानी P इक्वल टू -4 रहेगा। इसके लिए देखिए मान लो अगर आपको दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस में दे रखा है मान लो दे रखा है F इक्वल टू 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो P कितना आएगा बच्चों P इक्वल टू आ जाएगा 1/f सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे तो 1/20 और उसको सेंटीमीटर मीटर चेंज करेंगे तो ये 100 है दिस मार्क तो ये रहेगा प्लस या 5 रहेगा। दोनों बात समझ आई आपको कॉन्वेक्स लेंस मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव इसलिए पावर भी पॉजिटिव कॉनकेव लेंस मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव फोकल लेंथ नेगेटिव इसलिए पावर भी नेगेटिव। अब मान लो ये आपको एक लेंस दे रखा था कॉनकेव और दूसरा पी टू दे रखा था आपको कॉन्वेक्स आपसे कहा मैंने दोनों लेंस को जोड़ के रख दिया अब बताओ उनकी पावर कितनी होगी तो हमें कुछ नहीं करना सिंपली हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू पी वन इक्वल टू बच्चों -4 डायमीटर पी टू इक्वल टू बच्चों प्लस का 5 डायमीटर कितना आ गया बच्चों 1 डायमीटर प्लस का ये होगी लेंस की कॉम्बिनेशन की पावर होगी मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी फोकल लेंथ की कितनी डायमीटर के साथ उसको मोड़ने का काम करेगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज सिंपल सी सारी की पावर निकाल के ऐड करें ठीक है। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। उसके बाद हम बात करते हैं यूज करने की तो यूज करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपको देखा गया कि जो घड़ियाँ संभालते हैं हमारी मेटल की करते हैं वो लोग कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करते हैं ताकि वो ठीक से चीज़ की इमेज बड़ी बना सकें पास में ले जाके। और जो हमारा कहना चाहिए कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो कानों में कान को देखने के लिए ठीक है मुंह के अंदर किस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए भी कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करते हैं ठीक है। बाकी इन लेंसेज का मोस्टली जो यूज होता है बच्चों वो होता है हमारे स्पेक्टिकल्स में ठीक है। तो हम स्पेक्टिकल्स की जब बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कब कौन से स्पेक्टिकल्स यूज करेगा जब हम पढ़ेंगे कि आई के डिफेक्ट्स क्या होते हैं और आई के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कौन सा लेंस कहाँ यूज होता है और कैसे हम उसका यूज करते हैं ठीक है। तो यहाँ तक आपने जो पढ़ा उसको पढ़ते रहिए एंजॉय करिए ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है। थैंक यू।